नमस्कार मेरे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कही है कि जो लोग हैं वो बहुत गलत जानकारी दे रहे हैं कि भाई सीएम लाडली के जो पैसे हैं वो आने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जो आसान सॉल्यूशन है वो यही है कि आप घर बैठे ही चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे आएंगे या नहीं है। आपका जो डीबीटी खाता है क्या वो बैंक में लिंक है या नहीं है, उसका सीधा सीधा तरीका ये है कि आपको सबसे पहले जाना है केवल समग्र। समग्र लिख के आपको यहाँ पर क्लिक करना है एनपीसीआई स्टेटस पर। देखिए दोस्तों, एनपीसीआई स्टेटस का मतलब ये है कि ये पेमेंट इंटरफेस से लिंक होता है समग्र आईडी, मतलब ये आपको बता देगा कि आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, आपका जो खाता है वो डीबीटी लिंक है या नहीं है। तो मैं आपके सामने दो केस रखने वाला हूँ, एक ऐसा केस जिसमें पैसा आएगा और दूसरा केस जिसमें पैसा नहीं आएगा। तो देखिए, अगर मुझे पता करना है कि किसमें पैसा आएगा और किसमें पैसा नहीं आएगा, तो मैं सबसे पहले नहीं आने वाले केस में रखने की आपके सामने एक कोशिश करता हूँ। तो मैं अपनी जो समग्र आईडी है वो यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ फटाफट से। मैंने अपनी समग्र आईडी यहाँ पर डाल दी है, मैं अपना कैप्चा यहाँ पर फिल कर देता हूँ। और ये कैप्चा मैं फिल करने के बाद जब इसको क्लिक करूंगा तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि जो मेरा समग्र आईडी है उसमें बैंक खाते में आधार की स्थिति नहीं है, ना ही वो डीबीटी सक्रिय है। तो इसका मतलब ये है, जब वो डीबीटी सक्रिय खाता नहीं है, इसका मतलब ये है इसका पैसा आपके खाते में नहीं आने वाला, लाडली बहना का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। लेकिन उसी तरफ अगर मैं किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की आईडी उठा के देखूं और उस व्यक्ति की आईडी हम फिर मिलाकर देखें, तो मैं उन व्यक्ति की आईडी यहाँ पर डाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जानकारी प्रदर्शित हो गई कि बैंक में आधार की स्थिति हाँ है, डीबीटी सक्रिय स्थिति है और समग्र में फोटो की उपलब्धता है। अगर आपके इन तीनों में हाँ हाँ उपलब्ध आ रहा है तो मतलब ये है कि जो आपका खाता है वो डीबीटी से लिंक है और आपके खाते में लाडली बहना के 1000 रुपए आएंगे। इसके अलावा कोई और तरीका बिल्कुल मान्य नहीं है ये चेक करने का। डीबीटी बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अपने बैंक में चेक करना है तो आप पूरे महीने का स्टेटमेंट निकलवाइए, जो भी आपका बैंक है वहां जाके अपनी पासबुक प्रिंट करवा लीजिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके खाते में 1 रुपए आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आपके ये खाते में आधार की स्थिति और डीबीटी सक्रियता में हाँ लिखा आ रहा है, मतलब आपके खाते में पैसे बिल्कुल श्योर शॉट आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।